हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि बिग बॉस ऑडिट 3 जो कि बहुत ही बोरिंग सीज़न था वो समाप्त हो चुका है। तो अब मैं जानता हूँ कि आप सब एक्साइटेड होंगे क्योंकि बिग बॉस 18 स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे मेन बात तो ये है कि उसमें सलमान खान वापस आ रहे हैं। तो बिग बॉस ऑडिट 3 बोरिंग होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि सलमान खान नहीं थे, तो इस टाइम सलमान खान वापस होस्ट कर रहे हैं बिग बॉस 18 को। तो उसमें बिग बॉस ने जिनको कंटेस्टेंट्स को ऑफर किया तो उनकी लिस्ट आ चुकी है, और कईयों ने उनमें से रिजेक्ट किया और कईयों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन है वो सब कंटेस्टेंट जो अब बिग बॉस 18 में हमें दिखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये सीज़न बहुत इंटरेस्टिंग जाए। मेरा फेवरेट तो देखो बिग बॉस 13 राज सिद्धार्थ शुक्ला थे, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा सीज़न सबसे बेस्ट गया। तो आइए इस बार हम बिग बॉस सीज़न 18 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सलमान खान सर हमारे वापस आ चुके हैं। तो पहले कंटेस्टेंट है हमारे कृष्णा श्रॉफ, जो कि जैकी श्रॉफ की बेटी हैं। ये हाल ही में हमें खतरों के खिलाड़ी में दिखे, जिन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो दूसरे हमारे हैं शैनी अहूजा, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। हाल ही में इनको हमने भूल भुलैया मूवी में भी देखा, इसके अलावा मेट्रो मूवी भी है इनकी। तो 2009 में ये काफ़ी सुर्खियों में रहे, इन पे रेप का कोई केस हुआ था। तो इसके अलावा हमारे अर्जुन बिजलानी, जो कि आजकल लाफ्टर शेफ में दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे होस्ट भी हैं। अगले कंटेस्टेंट हमारे हैं राघव शर्मा, जो कि एक प्रोड्यूसर भी हैं, और इन्होंने महेश भट्ट और पूजा भट्ट के साथ भी काम किया है। तो अगले हमारे आचार्य जी हैं, जिनको बिग बॉस ने ऑफ़र किया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो उसके अलावा हमारे अगले हैं अनीता हसनंदनी, जिन्होंने कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका एक सीरियल चल रहा है सुमन इंदौरी, इसीलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं मिथिलेश, जो कि एक यूट्यूबर हैं और इनके 15 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और जब ये लाइव शो करते हैं तो काफ़ी लोग इनको शो देखने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह मोदी जी ने वोटिंग में इनसे गेमिंग कम्युनिटी के लिए वोट की अपील की। हमारे अगले कंटेस्टेंट जो कि यूट्यूब में बहुत ही वायरल रहते हैं, रजत दला, जो कि हर बार कंट्रोवर्सी के शिकार रहते हैं। और अगले हमारे हैं क्यों जन्नत जुबेर, जो कि आजकल लाफ्टर शेप में हैं, और जहाँ जन्नत जुबेर है वहाँ फैजू भी ज़रूर होंगे। तो फैजू जहाँ हो वहाँ जन्नत, और जहाँ जन्नत हो वहाँ फैजू, ये दोनों साथ में रहते हैं, और इन दोनों के साथ में मिलकर 83 मिलियंस फॉलोअर्स बनते हैं। तो इसलिए क्या पता ये जीत सकते हैं मिस्टर फैजू एंड जन्नत जुबेर। तो हमारे फेवरेट नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मिस्टर दिग्विजय, जो कि अभी फ़िलहाल हमें स्प्लिट्स विला में दिखाई दिए, और रोडी से इनका करियर स्टार्ट हुआ। जहाँ दिग्विजय है वहाँ शिवे तो ज़रूर होंगे, क्योंकि इन दोनों की जो टक्कर है वो बहुत ही खतरनाक रही है, रोडी से इनकी लड़ाई चलती आ रही है। तो इस बार भी हमें इनकी लड़ाई देखने में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, और जहाँ ये दोनों हो और वहाँ आकृति और जसवंत ज़रूर होंगे। आकृति और जसवंत जो कि स्प्लिट्स विला 15 के विनर हैं, लोग इनकी जोड़ी को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हमारे अगले हैं कनिका मान, जो कि हमारे सीज़न 2022 में रोहित शेट्टी के साथ खतरों के खिलाड़ी में दिखे, और इनका एक सीरियल भी है चांद जलने लगा। और नेक्स्ट है हमारे दिव्यांका और विवेक, जो कि इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में, क्यूट कपल हैं दोनों। बिग बॉस में इन दोनों कपल को देखकर काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा लोगों को। तो दोस्तों बिग बॉस में इस बार देखते हैं कि दिग्विजय और शिवे दोस्त बनते हैं कि नहीं। ये सीज़न इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर